इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस होती क्या है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट टूल है प्रोडक्शन मैनेजर के लिए। इसकी वजह से वो प्रेडिक्ट कर सकता है फ्यूचर में जो भी वो कंपनी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फ्यूचर में उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होने वाला है उसकी वो एनालिसिस इसके द्वारा कर सकता है, ब्रेक इवन एनालिसिस द्वारा। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट यूज्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर टू एनालाइज द पोटेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर। देखिए अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल सेल और रेवेन्यू क्या होता है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। यदि आप इन सब चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ब्रेक इवन एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है ना, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा टोटल कॉस्ट, माना कि मैं कुछ पेन बनाना चाह रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, तो इस पेन को बनाने के लिए जो भी मटेरियल की कॉस्ट है, सबसे पहले मटेरियल परचेस करूँ तो मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी, उस मटेरियल को जहाँ से मैंने परचेस किया वहाँ से अपनी इंडस्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी वो हो जाएगी, ठीक है ना, इसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मशीन भी बनेगी, मशीन भी चाहिए रहेगी, उन मशीन की कॉस्ट, मशीन को चलाने के लिए वर्कर भी चाहिए रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, ठीक है ना, तो जितना भी मेरा खर्चा आने वाला है इस पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल से लेकर इंडस्ट्री के आउटलेट तक वो कहलाता है इसकी टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, क्योंकि जब भी मैं कोई भी प्रोडक्शन करूँगा तो ऐसा है नहीं कि एक केवल यूनिट बना लूँगा, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, वर्कर चाहिए रहेंगे, मशीनरी चाहिए रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए रहेगा, तो ऐसे बहुत सारे पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल से लेकर इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उसके आउटलेट तक की कॉस्ट कहलाती है टोटल कॉस्ट। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इंडिकेट्स द एक्सपेंडिचर मेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एंड इट इज सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना, कुछ यूनिट बनाने के लिए जितनी कॉस्ट आने वाली है इस पेन की वो कहलाती है टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हो गई। इसके बाद होती है फिक्स्ड कॉस्ट, अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि मैं चाहे इस पेन को बनाना, माना कि चाहे इस पेन का प्रोडक्शन करूं चाहे ना करूं, मैंने इंडस्ट्री लगाई इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन मैं चाहे पेन को प्रोड्यूस करूं चाहे ना करूं वो कॉस्ट तो आनी है। ये कॉस्ट कौन कौन सी होगी, ये कॉस्ट होगी वर्कर की सैलरी, वर्कर को सैलरी तो देनी पड़ेगी चाहे आप काम करवाइए चाहे मत करवाइए, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल का बिल तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, बिल्डिंग जो आपने रेंट पे ली है उसका बिल, प्लस जो मशीन आप यूज कर रहे हैं वो मशीन तो आप एक बार खरीद चुके हैं ना, एक बार आपने खरीद चुकी है वो तो आपका पैसा फंस चुका है, यानी कि ये कॉस्ट हो जाती है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हो जाती कॉस्ट, ये हो जाती नंबर ऑफ यूनिट, ये नंबर ऑफ यूनिट पे तो डिपेंड करती ही नहीं है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट ये होती है आर एस में, ठीक है ना, रुपीज की टर्म में होगी फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होगी वो रुपीज की टर्म में होगी, और नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर नंबर ऑफ वॉल्यूम इसको हम शो कर देते हैं एक्स, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट है ना तो बिल्कुल पैरेलल रहेगी ये, इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपके जो वर्कर हैं उनकी सैलरी आ जाएगी, टेलीफोन बिल आ जाएगा, बिल्डिंग का रेंट आ जाएगा, और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ जाएगी, ये सारी कॉस्ट है ना ये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगी नंबर ऑफ यूनिट के पैरेलल, ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट आपको समझ में आ गई। अब वेरिएबल कॉस्ट, देखिए इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये
जाएगी कॉस्ट इनटू रुपीस और जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, ये रहेंगी एक्स के टर्म में। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट तो ऐसा कि आप यदि एक यूनिट बढ़ाएंगे तो एक यूनिट के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए चाहिए रहेगा, प्लस जो इलेक्ट्रिक जो आपकी मशीन रन करेगी मशीन को चलाने के लिए आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ती जाएंगी तो आपकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट सॉरी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, प्लस जो मशीनें चला रहे हैं जो वर्कर आपकी मशीनें चला रहे हैं तो उनको चलाने के लिए कुछ और चीज़ें भी एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए रहेंगी, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट बनेंगी तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ती जाएंगी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, इनिशियली आप कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो जीरो रहेगी वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन अगर आपने एक यूनिट भी प्रोड्यूस की तो ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये होती है वेरिएबल कॉस्ट, V इज इक्वल टू वी एक्स, जहाँ पर स्मॉल v है वो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और x है नंबर ऑफ यूनिट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मशीन रनिंग कॉस्ट, मशीन रनिंग कॉस्ट तो जाहिर सी बात है ही, क्योंकि जैसे जैसे आपकी मशीन चलेगी तो आपका टूल का बी आर एन टी आर होगा तो उसके लिए तो कॉस्ट लगनी है, यदि आप मशीन नहीं चला रहे हैं तो बी आर टी आर नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोपोर्शनली बढ़ेगा जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ यूनिट बढ़ती जाएगी, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ यूनिट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दिस कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मशीन रनिंग कॉस्ट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट आप बनाते जाते हैं उसके। अब टोटल कॉस्ट है कि हम लिखना चाहें तो टोटल कॉस्ट हम लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट को हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट समेशन होगी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, रहेगी कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये रहेगी फिक्स्ड कॉस्ट, रहेगी फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, ये हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को हम एक्स से शो करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को हम शो करते हैं वी से और स्मॉल वी इंटू एक्स। ठीक है ना, ये कहलाएगी टोटल कॉस्ट यहां से लेके यहां तक, ये कहलाती है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को हम इस तरह लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी एफ प्लस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी बी एक्स। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट को। ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी रुपीस में, वेरिएबल कॉस्ट भी वी रहेगा नंबर ऑफ यूनिट, कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक्स रहेगा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यह आपको समझ में आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट आपकी कहलाएगी। एक होती है टोटल सेल और रेवेन्यू, आपने जो रॉ मटेरियल बना लिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था टोटल कॉस्ट क्या होगी, रॉ मटेरियल से लेकर आपकी जो कंपनी है उसके आउटलेट तक की कॉस्ट, इसको पेन इस पेन को बनाने की कहलाएगी टोटल कॉस्ट। अब इस पेन को आपको मार्केट में सेल करना पड़ेगा, आप सेल करेंगे तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करेंगे प्लस इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, डिलीवरी जहाँ पे करनी है वहाँ तक। ठीक है ना, तो उससे जो आपका रेवेन्यू कलेक्ट होने वाला है एट द एंड ऑफ द सेल, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट तो लग चुकी है, उसके आगे जो आप सेल करेंगे तो उससे ज़्यादा कॉस्ट में करेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि आपने जो पेन बनाया है उसकी सेलिंग के बाद जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो कहलाती है आपकी सेलिंग कॉस्ट। इसको मैं डिफाइन कर सकते हैं, इट इंडिकेट द रिटर्न ऑब्टेन बाय द सेलिंग ऑफ आउट द क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वॉल्यूम ऑफ
प्रोडक्शन, आपने कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस किया है। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होती है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट जो होती है, सेलिंग कॉस्ट और रेवेन्यू भी बोलते हैं उसको, देखिए ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है, ये कहलाएगी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, और ये प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ यूनिट आपने आपने कितनी प्रोड्यूस की। एस इज इक्वल टू एस एक्स, ये स्मॉल एस है, ठीक है, इसका मतलब है सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, स्मॉल ये तो हो जाएगी टोटल सेलिंग कॉस्ट, ये हो जाएगी सेलिंग कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक्स हो जाएगा नंबर ऑफ, तो आप सेलिंग कॉस्ट को किस तरह लिख सकते हैं, सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, सेलिंग कॉस्ट में आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो, ये प्रॉफिट हो जाएगा। सेलिंग कॉस्ट को हम किससे शो करते हैं, एस से, और इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं एस एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस बी एक्स प्लस बी, और स्मॉल तो इसको भी बिग कर दीजिए तो हो जाएगा बी। तो सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन यानी प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट लिख दीजिए प्रॉफिट, ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस से कि आपको भविष्य में आपको प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, कितने प्रॉफिट से बचा जाएगी, आपको सेल और रेवेन्यू कितना चाहिए वो मिल सके। माना कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि हम वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, माना कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी वेरिएबल कॉस्ट है यानी एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट है 3 रुपीज, ठीक है ना, स्मॉल बी, और आप नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि एक्स कर रहे हैं 1000, ठीक है, तो आपका बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स यानी कि 3 × 1000 यह जाएगा 3000, ठीक है। तो यदि इसमें आप ड्रॉ करना चाहें तो ये माना कि यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट 3000 है, ठीक है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट यानी कि नंबर ऑफ यूनिट 1000 है, कॉस्ट है आपकी 3 रुपीज एक यूनिट की, तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट आने वाली है वो आने वाली है 3000। इसी तरह आप यदि उसकी सेलिंग कॉस्ट रखते हैं 5, तो आपकी जो टोटल सेल होने वाली है वो कितने होने वाली है 5000 रुपीज की, इतने की होने वाली, तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट ठीक है ना, माने कि फिक्स कॉस्ट आ गई आपकी, फिक्स कॉस्ट आ गई 1000 रुपीज, तो आपका प्रॉफिट टोटल सेल हो गई है एस इज इक्वल टू एफ प्लस बी प्लस पी, सेल हो गई है कितने की 5000 की, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 1000, वेरिएबल कॉस्ट है 3000 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा 1000 रुपीज का। इस तरह आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन एनालिसिस से आप पता कर सकते हैं कि भविष्य में यदि हम ये चीज इतने की बनती है, इसकी फिक्स कॉस्ट इतनी आ रही है, तो प्रॉफिट हम कितना रखें या फिर मार्जिन कितना रखें कि हमको इतने का प्रॉफिट हो, तो ये आप डिसाइड करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस से, ठीक है ना। तो ये हो गया किसके बारे में, ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस का चार्ट, ठीक है। आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर देख सकते हैं, जो भी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और यदि कोई आपके क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।